देहरादून की खबर का जिक्र कर लेते। एक ऑडियो वायरल हुआ था, उस ऑडियो में शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार दिखाई दिया था, क्योंकि ऑडियो में लेन देन की बात हो रही थी, मान्यता को लेन देन की बात हो रही थी। शिक्षा विभाग के अनुभाग अधिकारी कविंद्र सिंह को पद से हटाया गया है। इस ऑडियो को R9 TV ने प्रमुखता से दिखाया था और सवाल पूछा था कि शिक्षा विभाग में ये रिश्वत का खेल कब तक चलता रहेगा। रिश्वत मांगने का ऑडियो सामने आया, उसे प्रमुखता से R9 TV ने दिखाया और सवाल किया कि शिक्षा विभाग में, उत्तराखंड के शिक्षा महकमे में ये भ्रष्टाचार का खेल कब खत्म होगा। अब जो खबर आ रही है, इस खबर का असर ये हुआ कि शिक्षा विभाग के जो अनुभाग अधिकारी हैं उन्हें हटाया गया है। स्कूल की मान्यता दिलाने के नाम पर मांगे गए थे पैसे, रिश्वत मांगने का ऑडियो सामने आया था। उस ऑडियो में बातचीत क्या थी, क्या कहा गया था उस ऑडियो में जो R9 TV ने दिखाया और उस पर सवाल किया, जिस पर ये कार्रवाई हुई है और मोहर लगी है, वो ऑडियो आपको सुना रहे हैं। सारे लोन पर चल रहा है स्कूल तो। बच्चे कितने हैं? बच्चे 287। खतर तो बहुत है भैया, इसमें मंत्री जी के हाथ में ही है सब। हाँ, मंत्री जी भी लेंगे क्या? हमने और क्या, मंत्री जी का स्टाफ तो लेगा। कितना लेगा? बात हुई अभी सोमपाल से? हैं? सोमपाल से बात हुई ना? अभी तो उनको नहीं मिला है, तो पता करें कितना कहते हैं। वो तो बहुत मांगते हैं। कितना फिर भी? अब 50 से ऊपर ही लगा लो। जिनके मानक हो रहे हैं उनके उनसे भी लेते हैं। मानक हो, जिनके मानक हो रहे हैं वो तो करते ही नहीं है। हाँ? वो तो दम पड़ी रहती है जिनके मानक हो रहे हैं। हाँ, जिनके मानक नहीं हुए, जिनके मानक नहीं हुए तो उसी बात पर खर्चा ज्यादा करते हैं लोग। सब जगह दे जाके फटाफट फाइलें बढ़वाते हैं, तो इतने की गुंजाइश ही नहीं है हमारी। हाँ, इतने 50,000 की तो गुंजाइश ही नहीं है। तो फिर प्लस यहाँ शासन का कहा गया, फाइल तो जाएगी यहीं से। निदेशालय से तो पास होकर के आपके पास आई होगी ना? निदेशालय से तो पास होके आई, तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ। हाँ, दबी न रह जाए, इसलिए मैंने कहा अपने क्षेत्र का आदमी है तो चलो बता देता। तो ये वो ऑडियो था जिस ऑडियो को लेकर R9 TV ने सवाल पूछा। इस ऑडियो को दिखाकर ही पूछा कि ये कौन है जो जीरो टॉलरेंस वाली सरकार के मंसूबों पर पानी फेर रहा है और उस पर कार्रवाई हुई है। सौरभ भाटिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस खबर पर ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। सौरभ, जिस सवाल को हमने पूछा था, हमने कहा था कि आखिर वो कौन लोग हैं जो शिक्षा विभाग में दीमक का काम कर रहे हैं, अब खबर पर मोहर लगी? बिल्कुल, देखिए पंकज, जिस तरीके से R9 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था, उसके बाद जरूर जो है शासन के बड़े अधिकारी हरकत में आए और उन्होंने कविंद्र सिंह को संयुक्त सचिव पद से हटाकर, जो शिक्षा में तैनात थे उन्हें हटाकर सचिवालय प्रशासन में अटैच किया है। ऐसे में इसके साथ ही आर मीनाक्षी सुंदरम जो शिक्षा सचिव है, उन्होंने ये भी जो है संस्तुति की है कि इस पूरे मामले पर गंभीर रूप से कार्रवाई की जाए, जिससे इस तरीके के मामले दोबारा सामने ना आ सके। लगातार जो अधिकारी इस मामले पर समीक्षा कर रहे हैं और इसके साथ ही जो मान्यताएं हुई हैं उनकी भी फाइलें खंगाली जा रही है कि आखिरकार क्या वो फाइलें सही थी या उसमें जो है कोई गड़बड़ी थी, उन पर भी जो है विचार किया जा रहा है। क्योंकि मामला जो है, खुद शिक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की बात की थी, हालांकि उनकी अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई है, मुख्यमंत्री बाहर है। लेकिन मुख्यमंत्री की जो जीरो टॉलरेंस वाली जो बात कही जाती है कि एक साफ छवि के मुख्यमंत्री लगातार जो है अधिकारियों को ये संदेश देने का काम करते हैं कि इस तरीके के काम ना करें जिससे जो सरकार की छवि खराब हो, अधिकारियों पर सवाल उठे। लेकिन सचिवालय में बैठे अधिकारी अगर इस तरीके का काम करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं सरकार की छवि धूमिल होगी और जो जीरो टॉलरेंस का जो नारा दिया जाता है उसको भी जो है वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इस जानकारी के लिए। तो सरकार की मंशा पर इस तरह के अधिकारी पलीता लगा देते हैं जब जीरो टॉलरेंस की बात होती है और उसके बाद मान्यता को लेकर रिश्वत मांगी जाती है। ये उत्तराखंड के शिक्षा विभाग की सच्चाई है।